कृष्णा महर्षि याज्ञवल्क वैदिक युग में एक अत्यंत विद्वान ब्रह्मज्ञानी थे। उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम कात्यायनी तथा दूसरी का मैत्रेयी था। कात्यायनी सामान्य स्त्रियों के समान थी, वह घर गृहस्थी में ही व्यस्त रहती थी। सांसारिक भोगों में उसकी अधिक रुचि नहीं थी। सुस्वादी भोजन, सुंदर वस्त्र और विभिन्न प्रकार के आभूषणों में ही वह खोई रहती थी। याज्ञवल्क जैसे महर्षि की पत्नी होते हुए भी उसका धर्म में कोई विशेष आकर्षण नहीं दिखाई देता था। वह पूरी तरह अपने संसार में मोहित थी, जबकि मैत्रेयी अपने पति के साथ प्रत्येक धार्मिक कार्य में लगी रहती थी। उनके प्रत्येक कर्म कांड में सहायता देना तथा प्रत्येक आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने में उसे आनंद आता था। अध्यात्म में उसकी गहरी रुचि थी तथा अपने पति के साथ अधिक समय बिताने के लिए आध्यात्मिक जगत में उसकी गहरी पैठ थी। वह प्रायः महर्षि याज्ञवल्क के उपदेशों को सुनती, उनके धार्मिक क्रियाकलापों में सहयोग देती तथा स्वयं भी चिंतन मनन में लगी रहती थी। सत्य को जानने की उसमें तीव्र जिज्ञासा थी। एक बार महर्षि याज्ञवल्क ने गृहस्थ त्याग कर संन्यास लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को अपने समीप बुलाया और उनसे बोले, हे मेरी प्रिय धर्म पत्नियों, मैं गृहस्थ त्याग कर संन्यास ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पश्चात तुम दोनों में किसी प्रकार का विवाद ना हो। इसीलिए मेरे जो भी धन संपत्ति है तथा घर में जो भी सामान है, उसे तुम दोनों में आधा आधा बांट देना चाहता हूँ। कात्यायनी तुरंत तैयार हो गई, लेकिन मैत्रेयी सोचने लगी कि ऐसी क्या वस्तु है जो गृहस्थ से भी अधिक सुख संतोष देने वाली है और जिसे प्राप्त करने के लिए महर्षि गृहस्थ का त्याग कर रहे हैं। वह बोली, भगवन, आप जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ का त्याग कर रहे हैं, क्या वह इस गृहस्थ जीवन से अधिक मूल्यवान है? महर्षि ने उत्तर दिया, मैत्रेयी, वह अमृत है। यह संसार नाशवान है, इसका सुख क्षणिक है, वह स्थाई आनंद है। उसी की खोज में मैं अपना शेष जीवन व्यतीत कर देना चाहता हूँ। मैत्रेयी फिर बोली, भगवन, यदि धन धान्य से पूर्ण यह समस्त पृथ्वी मुझे मिल जाए तो क्या मृत्यु मेरा पीछा छोड़ देगी? मैं अमर हो जाऊंगी। महर्षि याज्ञवल्क ने कहा, प्रिय मैत्री, धन से तो संसारिक वस्तुओं का ही प्रबंध किया जा सकता है। यह तो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, भोग विलास तथा वैभव का ही साधन है, इससे अमरत्व का कोई संबंध नहीं। तब मैत्रेयी ने कहा, यदि ऐसा है तो आप मुझे इससे क्यों बहला रहे हैं? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो आप उस तत्व का उपदेश दीजिए जिससे मैं सदा रहने वाला सुख पा सकूं, उसे जान सकूं जिसे जानने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, तथा इस आवागमन के चक्र से मुक्त होकर सदा सदा के लिए अमर हो जाऊं। महर्षि अपनी पत्नी की सत्य के प्रति जिज्ञासा को जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे मैत्रेयी, तुम्हारी इस सच्ची लगन को देखकर मैं पहले से भी तुमसे ज़्यादा प्रसन्न था, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न करता हूँ। अब तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिससे वास्तव में तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा और तुम संसार के माया मोह से सदा के लिए मुक्त हो जाओगी। और ऐसा ही हुआ। मैत्रेयी ने अपने पति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर को पा लिया
और उसका मन स्थायी शांति तथा आनंद से परिपूर्ण हो गया। ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्ये नेन्मेति, उस कल्याणकारी परमात्मा को जानकर ही भक्त अत्यंत शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार मैत्रेयी ने परम धन को पा लिया।